जय हिंद वंदे मातरम एग्री जर्नी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। भाई कल देर रात तक आपकी जो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैंने यहाँ पे रैंक आपका देखे हुए हैं, रिजल्ट आ चुके हैं, आप सभी को ऑलरेडी पता है। तो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट की रैंक देखी है और एक कट ऑफ यहाँ पे तैयार किया है, रैंक देखकर और उनके मार्क्स देखकर यहाँ पे कट ऑफ प्रिपेयर किया है। अच्छा, गर्ल्स का अलग बनाया है मैंने, बॉयज का अलग बनाया हुआ है कि कितने मार्क्स तक सेफ है, कैटेगरी वाइज बात करेंगे और रैंक भी यहाँ पे मेंशन की है। और सबसे पहले आपको एक बात बता दूं, जो मैंने रैंक यहाँ पे और मार्क्स यहाँ पे प्रिपेयर किए हुए हैं, रेडी किया हुआ है, वो मार्क्स ऐसे हैं कि आपको कहीं ना कहीं कॉलेज दिला देंगे। मैं आपसे ये नहीं बोल रहा हूँ कि पर्टिकुलर आपको एग्रीकल्चर ही मिलेगा, हॉर्टिकल्चर ही मिलेगा, है ना, और फॉरेस्ट्री मिलेगा इसमें, साथ में आपका मे बी चित्रकूट भी इंक्लूडेड है ना, चित्रकूट भी आपका इसमें इंक्लूडेड है। मतलब कहीं ना कहीं आपको कॉलेज मिल जाएगा लास्ट तक, अगर आप बने रहते हो राउंड में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट फर्स्ट राउंड में नहीं मिलता है तो प्राइवेट में एडमिशन ले लेते हैं। ऐसा मत करना, लास्ट तक यहाँ पे डटे रहना। डाहेट में बहुत सारी सीटें बसती है, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, है ना, तो लास्ट तक आपको वेट करना है। और काउंसलिंग कब तक हो सकती है ये भी बात करेंगे, एक्सपेक्टेड डेट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ऑफिशियल तो अपने पास कोई जानकारी नहीं है और मेरी तरफ से फुल एंड फाइनल आपका जो है कट ऑफ है, रैंक है मेरी तरफ से, एग्री जर्नी की तरफ से, ठीक है। देखते हैं क्या रहता है और आपने जो भी मार्क्स हो, क्योंकि मैसेज बहुत सारे हैं, देखना मैं अकेला सारी चीज़ों को मैनेज करने वाला हूँ तो बहुत मुश्किल होता है सारी चीज़ों को हैंडल कर पाना। तो जिसका मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पाया तो भाई यहाँ पे आप देख लेना, ठीक है। बाकी सब्सक्राइब कर देना भाई, बहुत मेहनत लगी है और एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है, ठीक है। चलो फिर, और मैंने यहाँ पे कुछ आपका व्हाट्सएप के ग्रुप क्रिएट किए हुए हैं जिनके 104 से 109 मार्क्स तक है, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगी, जाके ऐड हो जाना। 95 से 103 तक जिनके मार्क्स रहेंगे वो ज्वाइन हो जाना, और 110 से 118 मार्क्स वाले, इनके बीच वाले जितने भी रहते हैं ना वो सभी ऐड हो जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, है ना। अपने अपने नंबर के वाइज ग्रुप में ऐड हो जाना भाई, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, शायद आपके काउंसलिंग में कुछ ना कुछ बेनिफिट हो जाए, तो डिस्क्रिप्शन में ऐड हो जाना। ये ग्रुप लेफ्ट मत करना, अलॉटमेंट तक कॉलेज के बाद भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, ठीक है। बाकी फिर आपकी इच्छा, बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके ऐड हो जाना। और मैंने टेलीग्राम पे भी, यहाँ पे 3000 प्लस मेंबर है तो वहां पे भी जाके ज्वाइन कर लेना दोनों की, टेलीग्राम पर भी इंस्टाग्राम पर भी आप डाउट आस्क कर सकते हो। मैं बहुत सारी रील्स यहाँ पे क्रिएट करता रहता हूँ, क्रिएटिव, तो यहाँ पे भी ऐड हो जाना, दोनों की डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। बाकी चलते फिर स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले मार्क्स की हम बात करेंगे, तो मैंने बहुत सारा एनालिसिस किया है भाई, बहुत सारा, ठीक है, बहुत सारे रिजल्ट देखे हैं, बहुत सारी चीजें देखी हुई, तो मेरे को लगता है वॉइस की बात करेंगे पहले हम, तो जर्नल का यहाँ पे वॉइस का 100 के आस, बिल्कुल 100 के आसपास आपका कट ऑफ रहेगा जर्नल का, 100 या आपका 101, 100, ठीक है, इसके बीट आपका कट ऑफ रहने वाला 100 तक, ठीक है। मतलब इस तक आपको चित्रकूट वगैरह कहीं ना कहीं कॉलेज मिल जाएगा 100 मार्क्स तक। EWS की बात करूं तो 100 आपका EWS करेगा, ये सारी पॉइंट्स में डिक्लेयर होते हैं, आपने प्रीवियस ईयर में भी देखा होगा 101 नंबर कट ऑफ गया था और पॉइंट में डिक्लेयर हुआ था, ठीक है। पॉइंट में कहीं 94 रहता है, कहीं 64 रहता है, तो जनरल का कट ऑफ थोड़ा ज्यादा रहता है, EWS का थोड़ा कम रहता है, पॉइंट में डिफरेंस रहता है दोनों में। अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो 99 नंबर पे आपका ओबीसी में कॉलेज मिल जाएगा उसको लास्ट तक, ठीक है, बने रहना, आपकी काउंसिल में पार्टिसिपेट करना। और एससी की अगर बात करूं मैं तो 88 मार्क्स तक आपको आराम से कॉलेज अलॉट हो जाएगा, 88-87 मार्क्स तक आराम से कॉलेज मिल जाएगा एससी कैटेगरी वालों की, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको एक बता दूं, अगर आपके मार्क्स, इनकी देखो कट ऑफ तो ठीक है, अगर आपके मार्क्स काउंसलिंग पार्टिसिपेट की बात करूं तो अगर आपके ओबीसी कैटेगरी में 90 के आसपास भी मार्क्स है, ठीक है, 90 या 92 आपके मार्क्स है ओबीसी कैटेगरी में, तो बिल्कुल भाई आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, ठीक है, वेट करना है फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड का। तो मैं आपको एक एक्सपेक्टेड मार्क्स ये बता रहा हूँ, 90 से 92 अगर आपके रहते हैं तो आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है भाई, ओबीसी जनरल की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी आप देख लो। और एसटी की बात करते हैं तो एसटी में अगर आपके यहाँ पे 80 के आसपास मार्क्स रहते हैं तो बिल्कुल आप यहाँ पे सेफ जोन में हो, आपको कहीं ना कहीं कॉलेज मिल जाएगा। सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने रेडी करके रखो, ठीक है, क्योंकि जल्दी काउंसलिंग का शेड्यूल आपका आएगा, फटाफट रेडी रहना भाई। और गर्ल्स की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, ठीक है, तो गर्ल्स का जनरल का 86 और ओबीसी की बात करूं तो 88, क्योंकि ओबीसी गर्ल्स का कट ऑफ हाई जाता है, आप लास्ट 5 ईयर का कट ऑफ उठा के देख लेना आपको ऐसा ही मिलेगा, ओबीसी गर्ल्स का कट ऑफ हाई जाता है। और जनरल का गर्ल्स का 86 पर जो है आप सेफ जोन में हो, कॉलेज आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। आप ये मत बोलना कि 88 मार्क्स पर मेरे को टॉप का JNK भी मिल जाएगा, ये नहीं बोल रहा हूं मैं, आपको बता रहा हूं कहीं ना कहीं कॉलेज मिल जाएगा। और जो मार्क्स मैंने यहां पे बताया वो भी सेम यही है, ये मत सोचना आपकी 100 पर आपको पवारखेड़ा मिल जाएगा, 100 पर आपको आपका बालाघाट मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। बट आपको कॉलेज कहीं ना कहीं अगर आपको एडमिशन लेना रहेगा तो मिल जाएगा, गवर्नमेंट कॉलेज से आप आराम से डिग्री करोगे। नेक्स्ट आपकी एससी की बात करूं तो 78 आपका गर्ल्स में 78 में बिल्कुल सेफ में हो। एसटी की बात करूं तो 70 से 72 अगर आपके मार्क्स हैं, एसटी की गर्ल्स की बात कर रहा हूं, तो बिल्कुल आप सेफ जोन में हो, ठीक है। और
रैंक की भी अपन बात कर लेते हैं, बाकी आप मार्क्स देख लेना, ठीक है। अब अपन बात करते हैं ओवरऑल रैंक के बारे में, ठीक है। कैटेगरी वाइज ओवरऑल रैंक देखेंगे, तो सबसे पहले देखो जो रैंक मेरे पास अवेलेबल है उसके बेसिस को मैंने बनाया हुआ है, और मैं यहाँ फालतू तो कुछ लिख नहीं सकता था, ठीक है। तो जो मेरे पास डाटा उपलब्ध रहा उसके बेसिस पर मैंने सारी चीजें एनालिसिस करके बनाया हुआ है। तो देखो जनरल की अगर मैं बात करूं, तो अगर जनरल में आपकी 530 से 550 रैंक तक है तो कॉलेज आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, ठीक है। 530 से 550 तक चित्रकूट वगैरह, ओवरऑल रैंक की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। और कैटेगरी में आपकी अराउंड 200 के आसपास, मतलब 200 तो ज्यादा हो जाएगा, मे बी अगर आपकी कैटेगरी में 150 के आसपास भी रैंक रहती है तो आप सेफ मान के चल रहा, ठीक है, 150 के आसपास, है ना। नेक्स्ट आपकी ओबीसी की बात करूं तो 600 से 630 मैं हर एक कैटेगरी की बात कर रहा हूं। अगर आपकी कैटेगरी रैंक आपकी 100 से ज्यादा है, 100 से ज्यादा है, तो अपने आपको थोड़ा सा लोएस्ट ये मान के चलना कि हाँ कॉलेज मिल जाए, ठीक है, कहीं ना कहीं कॉलेज मिल जाए। आप टॉप की मत सोचना, क्योंकि 100 अगर आपकी 120 या 100 आपकी रैंक है तो आपको कॉलेज आराम से अलॉट हो जाता है, ये मैंने देखा हुआ है लास्ट अभी 2-3 ईयर्स में, ठीक है, अगर आपकी कैटेगरी रैंक भी रहती है 120 SC ST में, ठीक है। बाकी आप देखो SC की बात करूं तो 1580 तक अगर आपकी अराउंड रैंक है तो आप सेफ हो, बिल्कुल कॉलेज अलॉट हो जाएगा। और ओबीसी की बात करूं तो 600 से 650, और ST की अगर मैं बात करूं यहां पे तो 2000 से 2050 तक अगर रैंक है ST के बॉयज की, किसी की भी, ये बॉयज का डाटा है, तो बिल्कुल आप सेफ जोन में रहोगे, ठीक है। इतने अगर आपके मार्क्स रहते हैं सेफ बिल्कुल रहोगे आप 2000 से 2050 तक। आप देखो बाकी यहाँ पे 1580 रैंक आपकी SC में और OBC में 600 से 630 आपकी ओवरऑल रैंक की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। कैटेगरी रैंक की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कैटेगरी में तो आपको अलॉट ही नहीं होगा इतने रैंक तक। कैटेगरी में अगर राउंड आपकी 100 के आसपास है तो सेफ हो भाई, ये बात आप मान के चलना, आपको कहीं ना कहीं कॉलेज मिल जाएगा। और सबसे पहले तो आपको ये बता दूं यार, बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि भैया मेरे को 100 नंबर पर आपका, सॉरी क्या बोलते हैं, 100 नंबर पर मेरे को इंदौर मिल जाएगा, रैंक आपकी बहुत हाईएस्ट लगी रखी है, 2-3 हजार रैंक लगी है इंदौर जबलपुर। तो थोड़ा सा लॉजिक लगाकर क्वेश्चन आस्क किया करो, कैसे कॉलेज मिल जाएगा भाई, है ना। और बाकी आप देख लो कट ऑफ जो मैंने बहुत सारे एनालिसिस किए हुए हैं, और ये फुल एंड फाइनल कट ऑफ है, इतने तक आप सेफ रहोगे। और अब बात कर लेते हैं आपके काउंसलिंग की डेट की, कब तक डेट आपकी यहाँ पर रिलीज हो सकती है काउंसलिंग की। तो देखो डेट की अगर बात करूं मैं तो 20 से 25 दिन का आपका टाइम लगेगा भाई यहाँ पे, 20 से 25 दिन में आपका डाटा यहाँ पर रिलीज हो सकता है ऑफिशियल वेबसाइट पर। कहाँ कहाँ रिलीज होगा जिनको नहीं पता है, देखो अभी फिलहाल में आपको कुछ भी नहीं करना है, रिजल्ट आपका आ चुका है, आपको वेट करना है ओनली। और इस जो टाइम पीरियड में आप अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके रखना, सारे डॉक्यूमेंट्स। और आपको एक बात और बता दूं, ठीक है, एक वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उसमें मैंने आपके रिजल्ट से लेकर अलॉटमेंट तक की सभी प्रोसेस के बारे में बताया हुआ है, उसको देख लेना। बाकी आपको बता देते हैं आपकी क्रिप्स ऑनलाइन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, आपको ऑलरेडी बता चुका हूं मैं, फिर भी आपको एक बार बता देते हैं क्या प्रोसेस रहेगी। तो क्रिप्स ऑनलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट है, आप इस पर देखना, इस पर आपकी सारी प्रोसेस चलने वाली है। यहाँ पे आपका यूजर नेम आईडी पासवर्ड क्रिएट होगा, आपको खुद से अभी फिलहाल में कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है, काउंसलिंग का। और मे बी 500 से 550 रुपए आपका चार्जेस रहेगा काउंसलिंग का। यहाँ पे प्रोसेस चलेगी, यहीं पे आपका अलॉटमेंट आएगा फर्स्ट राउंड का, सेकंड राउंड का, 2 राउंड में आपकी काउंसलिंग होगी, तो और ऑफिशियली कट ऑफ भी आपका यहीं देखने को मिलता है। तो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, बाकी कट ऑफ मैंने बता दिया है। और आप JNKBB RBS KBB की ऑफिशियल वेबसाइट भी चेकआउट करते रहना, वहां पर भी आपका काउंसलिंग का शेड्यूल आता है। तो 20 से 25 दिन अभी फिलहाल और वेट करो, बाकी रिजल्ट आपका डिक्लेयर हो चुका है। और वीडियो से कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, जो भी आपके डाउट्स हो कमेंट में छोड़ देना। बाकी देखेंगे भाई कितने स्टूडेंट्स के मैसेज कर पाते, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस हैं। और ग्रुप में ज्वाइन जरूर हो जाना, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।